नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। बिहार की नीतीश सरकार ने जनता को दिवाली के दिन बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने मोदी सरकार की ओर से लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने के बाद दिवाली के दिन राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में राहत देने के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर लोगों के लिए डीजल में 3.90 रुपये और पेट्रोल में 3.20 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया गया है। नीतीश कुमार की सरकार के इस फैसले से बिहार में पेट्रोल 8.20 रुपये और डीजल 13.90 रुपये सस्ता हो जाएगा और इसका लाभ आम से लेकर खास लोगों को भी मिलेगा। इससे पहले बुधवार को भी सूबे के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने भी पेट्रोल डीजल के दाम में ज़्यादा कमी होने की जानकारी दी थी। दरअसल अभी तक राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर अच्छा खासा टैक्स वसूलती थी। केंद्र सरकार जितने दाम पर बिहार भेजती है उस पर बिहार सरकार वैट लगाती है। दोनों सरकारों के फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही अन्य लोगों को भी इसका ज़्यादा फायदा होगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।